हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्केप स्किल्स। और ये मुझे पता है कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। तो गाइस, काफ़ी फ्रेंड्स बोल रहे थे कि ये जो फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ होते हैं उनका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक है हमारा, आज उसमें मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वेबसाइट बताऊंगा, आप इसको किसी भी या फिर आप पीसी में या आईफोन या फिर एंड्रॉयड में आप आराम से इसको इजीली यूज़ करके चेंज कर सकते हो। तो फिर आप वीडियो को वॉच करना फुल बिना स्किप, जहाँ से कि आप मतलब अपना फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो हो, वहाँ से आप बैकग्राउंड उसका इजीली चेंज कर सकते हैं। इमेज हो या फिर वीडियो हो, आप उसका बैकग्राउंड इजीली चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक करें और आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्रोम में जाऊंगा, तो मैं क्रोम में आ जाता हूँ यहाँ। और फिर क्रोम में आने के बाद हमको यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन। देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन बैकग्राउंड चेंज, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्लिक करा तो कुछ हमारा इंटरफेस ऐसा खुल के आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है आपको एक अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा, तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको कोई भी इमेज ले लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ, जो कि देख सकते हैं ये वाला मेरा फ़ोटो है। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। और इसमें काफ़ी आप कलरफुल भी फ़ोटोज़ मतलब कलरफुल इमेज और या फिर कलर भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है और फिर एडिट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आ जा रहे हैं। यहाँ पर इधर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ ऐसा करके आ रहा है हमारा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ से आपको ऐसा और कुछ ऐसा भी ऑप्शन आ रहा, तो देख सकते हैं बिल्कुल ही मतलब बैकग्राउंड जो पीछे का वो ब्लर नहीं है। अगर आप इसको ब्लर करना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप करेंगे तो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे बिल्कुल ही ब्लर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ब्लर पे करता हूँ, तो ये मतलब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम थोड़ा सा इससे बेटर ढूंढते हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करके देखते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो हम इसको फाइनल करते हैं। और भी हम कुछ ट्राई करते हैं, हमें इससे भी अच्छा मिल जाएगा, तो करते हैं। तो इधर आते हैं फिर देखते हैं हम यहाँ क्या कुछ अच्छा मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ, मैं क्लिक करता हूँ तो इधर देख सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा करके आया है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। तो हम कुछ अच्छा लेते हैं इधर, तो मैं ये ले लेता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी मेरे पीछे बिल्डिंग से बिल्डिंग है, लेकिन मैं इसको लूँगा नहीं अभी, क्योंकि हमें थोड़ा सा अच्छा लेना है। तो मैं एक ये ले लेता हूँ, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको देख सकते हैं अब ये हमारा मतलब हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपली। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आता है, शेयर इमेज और डाउनलोड इमेज। तो डाउनलोड इमेज पे हम करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नीचे को हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। और तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं फिर हम यहाँ पे अपने मतलब जो हमारा फोटोज सेव होते हैं। तो यहाँ पर गैलरी में आ गए हम, और यहाँ पर हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं डाउनलोड पर मैंने क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आया है हमारा। तो ये कुछ ऐसा हमारा देख सकते हैं हमारा फ़ोटो आ गया है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हो गया। और मैं आपको एक और चीज़ जो है कि जो चेक करके दिखाता हूँ। तो मैं अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो ये भी मैंने इसी ऐप मतलब इसी वेबसाइट के थ्रू मैंने इसको भी करा है। तो अगर आप करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। और इसकी मैं एक और फीचर से जो कि मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं सिंपली, और हमें बैक जाना है। तो यहाँ पे यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो दोबारा से हमें मतलब ये ऐसा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक दिखाएगा अपलोड इमेज का। तो एक दूसरा इमेज लेते हैं हम, और फिर वहाँ उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने एक ये स्क्रीनशॉट ले रखा था, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये कुछ शायद मेरा गड़बड़ क्लिक हो गया है, तो देख सकते हैं दोबारा मैंने ये क्लिक करा है, तो ये हमारा जो आया है तो कुछ ये वाला इंटरफेस खुल के आया है। तो इसी में मैं आपको एक और कुछ थोड़ा सा अच्छा बताता हूँ। तो यहाँ पर फिर से आपको एडिट में करना है, तो
तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलता है, एक तो आपको देख सकते हैं आपकी आपको कलरफुल आ रहा है बहुत सारे चीज़ें, और यहाँ पर आपको सिर्फ कलर मिलेगा जिसमें कि आपको एक सिंपली एक ही कलर मिलेगा। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा कलर में करके आएगा, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं जिसमें हमें जो बेस्ट लगेगा तो वही ले लेंगे हम। तो मुझे तो फिलहाल ये वाला बेस्ट लग रहा है, तो इसको हम करके डाउनलोड कर लेंगे। तो देख सकते हैं तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा ईज़िली। तो अब फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो,